पिक्चर में ये निकाल देती हूँ. शी इज वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. थैंक यू. मैं ये इसको निकाल देती हूँ. जी आपके साथ हमारा माई टीवी भी शाइन हो. सलाम नमस्ते सत श्री अकाल. मैं हूं मोनी गिल और दोस्तों आपको जिस शख्स के साथ आपको मिलाना चाह रही हूं उनको तारीफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बचपन से लिटरली बचपन से हम उनके फ़ैन हैं. स्पेशली सत्यम शिवम सुंदरम से उनके जैसा सुंदरम मैंने आज तक नहीं देखा जो कि अभी तक इतनी सुंदर है. उससे लेकर आप मूवीज़ के नाम बस गिनते जाएँ और ज़्यादा देर ना लगाते हुए आपका स्वागत करती हूँ जीनत मांझी. जीनत मांझी बहुत बहुत स्वागत है आपका माई टीवी पर और यूएसए में स्पेशली साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में आप आज यहाँ पर हैं और बहुत अच्छी बात है कि आज आप अपने बेटे के साथ यहाँ पर हैं. जी बिल्कुल. और एक्चुअली आप हम मैं ये कहूँगी बहुत लकी हैं आपसे मुलाकात कर सके हैं क्योंकि आप अगर आज भी अगर इनको देखा जाए गाइज सी यू टू बिलीव इट. एक्चुअली इसे कहते हैं कि आप देख सकते हैं मेरी एक्साइटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक इतनी खूबसूरत अदाकारा जो हमारी इंडस्ट्री में है. मैं कहूँगी अगर आप पुराने टाइम में वापस जाएँ तो आप देखें कि इन्होंने अपनी वर्सटैलिटी से उस ज़माने में हालांकि बहुत सारी ऐसी टक्कर हुआ करती थी. आप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी हमारी बहुत सारी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं हमारी इंडस्ट्री की. उस टाइम में एक नई बोल्ड और खूबसूरत सी अदाकारा एंट्री मारती है और उसने जब शुरुआत करी फिल्म की सत्यम शिवम सुंदरम से उसके बाद हरे राम हरे कृष्णा जस्ट नेम इट और दम मारो दम क्या बात है. अभी भी जब हम लोग इनके गाने आज तक रीमिक्स होकर आ रहे हैं तो आपको कैसा फील होता है जब आप देखती हैं कि नई लड़कियां आपके पुराने गाने की नकल कर रही हैं या उस गाने को रीमिक्स कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो चार्म नहीं आ रहा जो था तो आपको कैसा लगता है फिर भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वो चार्म नहीं आ रहा है लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिन गानों में मैं शामिल थी वो रीमिक्स हो रहे हैं और दे स्टिल अलाइव एंड पीपल आर स्टिल एंजॉयिंग दैट म्यूजिक सो दैट्स वेरी नाइस. यस ग्रेट. सो आप ये बताएं कि आज आप यहाँ पर एक मूवी के साथ आई हैं आप उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें हमारी उस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं उस मूवी के एक्टर कौन हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस मूवी को लेकर. मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एट दिस फिल्म फेस्टिवल एंड आई एम डबली एक्साइटेड बिकॉज अजान खान जो मेरा बेटा है इट्स ही इज़ रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टर द फिल्म. सो इट्स अ हाइस्ट फिल्म. इट्स अबाउट यंग पीपल हु रॉब बैंक्स एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव सब्सिक्वेंटली एंड मेरा ये इन्वॉल्वमेंट रहा यू नो फिल्म के साथ टू ऑर्गेनाइज सम मनी एंड देन लीड देम टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. वाओ. सो रियली इट्स कंप्लीटली देयर बेबी जो भी इन्होंने बनाया है किया है इट्स एंटायरली देयर ओन. वाओ. देयर आर लॉट ऑफ यंग एक्टर्स न्यू यंग एक्टर्स एंड नसीरुद्दीन शाह इज इन द फिल्म एंड या आई एम देयर जस्ट टू सपोर्ट देम. ग्रेट. और इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या होना चाहिए. जीनत मांझी खुद किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं तो गाइस उसमें स्पेशल तो कुछ होगा. हम जो हमारी ऑडियंस है स्पेशली यूएसए बेस्ड हमारा टीवी है हम चाहते हैं कि जो यूएसए में मूवीज़ आती हैं देसी मूवी आती हैं चाहे वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो या कोई सी भी भाषा की हो पंजाबी हो बंगाली हो आप जाएँ और उसको देखें क्योंकि वो ऑडियंस के लिए है वो आप लोगों के लिए है. तो ये लोग अगर आकर बाहर आकर अमेरिका में आई हैं आज खुद आई हैं अपने बेटे के साथ आई हैं तो अगर ये लोग इतना एफर्ट करते हैं तो हमारी तरफ से हमारा भी एक एफर्ट है कि जाएं और हम इनकी मूवीज़ देख कर आएँ और रिव्यू दें आपको कैसा लगती है आपको अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है जो भी है ताकि जो हमारे न्यू कमर्स जो डायरेक्टर हैं लाइक आज़ान उनकी ये पहली मूवी है तो ताकि वो और सीख सकें और उन्हें मालूम पर चल सके कि हमारी जो यूएसए की ऑडियंस है वो क्या मांगती है या उनको क्या और पसंद है. एब्सोल्युटली. तो आप चाहे आप आगे दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. यप दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. और ये बताएं कि और आप आगे क्या कर रही हैं. आई एम वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज एंड वी हैव कंप्लीटेड सीजन 1 वी हैव जस्ट स्टार्टेड शूटिंग सीजन 2. So, yeah. Okay. और मुझे तो लगता है एक और फैशन जो होना चाहिए
मुझे तो ऐसा लगता है जिसमें जीनत अमान जी अगेन शो स्टॉपर हो, क्या ख्याल है? राइट नहीं नहीं, नॉट एट द मोमेंट, आई हैव टू get a little into shape before that. No, trust me, you're looking awesome. guys, आपको लग नहीं रहा कि she's looking awesome, जो हम जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बचपन से इनके फैन रहे हैं और अभी तक आप देखो कि इतनी खूबसूरत अदाकारा है और हम प्राउड फील करते हैं जब ऐसी एक्ट्रेस को हम देखते हैं कि जो सेल्फ मेड है और जो कि कभी भी आज हम देखते हैं कि शी इज़ अ गुड मदर, क्योंकि अब बेटा भी डायरेक्शन में आ गया एंड शी इज़ सपोर्टिंग हर सन. तो हम इनको हमारी तरफ से, हम माई टीवी की तरफ से, हम इनको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप ऐसी और बहुत सारी मूवीज लेकर आएं ताकि हम आपको बार बार देख सकें. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स. थैंक यू सो मच. वेलकम जी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सेल्फी टाइम. बाय गाइस.